आप भी जानना चाहते हैं कि सुशांत सिंह राजपूत की मौत के पीछे किसका हाथ हो सकता है? इस उत्तर में सिर्फ सच है। अगर सच सुनने की क्षमता हो तो ही इस वीडियो को पूरा देखना, वरना इसी वक्त इसे छोड़ दो। सुशांत सिंह राजपूत की मौत का जिम्मेदार मैं, आप और हम सब है। जी हाँ, आप सही सुन रहे हैं। अब कारण भी सुन लो। भारत की जनता इतनी बेवकूफ, मूर्ख और अंधभक्त है कि उसे काबिलियत और दिखावे में फर्क ही समझ नहीं आता। तभी तो सलमान खान, वरुण धवन, आलिया भट्ट, सोनम कपूर, सिद्धार्थ मल्होत्रा, अर्जुन कपूर और न जाने कितने बड़े बाप के बेटे और बेटियों को, जिन्हें अदाकारी का ऐब ही नहीं आता, उन्हें सुपरस्टार कहा जाता है। और मनोज वाजपेयी, संजय मिश्रा, विकी कौशल, राजकुमार राव, कंगना रनौत, नवाजुद्दीन सिद्दीकी, पंकज त्रिपाठी, न जाने कितने और अदाकारी के टैलेंट सराबोर कलाकार एक लीड रोल पाने के लिए जीवन लगा देते हैं। ये गलती किसकी है? ये गलती आपकी, हमारी, हम सबकी है, जो दिखावा और चकाचून की दुनिया को इस कदर अपना चुके हैं कि अदाकारी और फिल्म जगत की सच्चाई हमसे कोसों दूर छूट गई है। और छूट गया है हमारा सुशांत, जिसके पास संभावनाओं और सपनों का अंबार था। वो उड़ते हुए अपने सपनों की तरफ भाग रहा था। उसके उड़ान की रफ्तार इस चकाचौंध को पीछे छोड़ रही थी, जो फिल्म जगत के आकाओं से बर्दाश्त नहीं की जा सकी। इसलिए पहले उसके पंख काटे गए और फिर उसे मार दिया। वो लड़ सकता था, वो जीत सकता था, अगर मैं, आप और हम सब उसका साथ देते, उसके साथ होते, उसका सहारा बनते। हमें तो आलिया भट्ट के 50 मिलियन फॉलोअर्स बनने हैं, हमें तो वरुण धवन के ठुमके देखने हैं, करण जौहर के शो पे उसकी बेलगाम चुगली सुननी है, भाई की ईद वाली फिल्म को 50 करोड़ रुपए की कमाई करानी है। हमें टैलेंट से क्या मतलब? हमारा हीरो तो बस किसी सुपरस्टार का बेटा होना चाहिए, जो अंग्रेजी अच्छा बोलता हो, भले ही वो 12वीं फेल ही क्यों ना हो, भले उसकी बातों से घमंड और दिखावे की बू ही क्यों ना आती हो, भले ही उसे अपने राष्ट्रपति का नाम तक ना पता हो, लेकिन शक्ल तो अच्छी है, कपड़े ब्रांडेड है, बड़े सुपरस्टार के खानदान का तो है, बस और क्या चाहिए हमें? एक्टिंग तो कोई भी कर लेता है ना। हमारी यही सोच आज न जाने कितनी प्रतिभा को फांसी से लटकने पर मजबूर कर रहा है। बागी 2 और जुड़वा 2 जैसी फिल्में 200 करोड़ का कारोबार करती है, वही सोन चिरैया 5 करोड़ भी नहीं कमा पाती। ये विडंबना नहीं तो और क्या है? सुशांत सिंह राजपूत के फिल्मों को डिस्ट्रीब्यूटर नहीं मिलते थे, उनके ड्राइव फिल्म को करण जौहर ने नेटफ्लिक्स पर रिलीज कर दिया, लेकिन सोनम कपूर को हर साल लॉन्च किया जाता है। सोनम, वरुण और ना जाने कितनों को मौके प्रसाद की तरह बांटे जाते हैं, ऐसे जैसे कि इस बार तो कुछ अजूबा हो जाएगा। लेकिन जिसके अंदर प्रतिभा कूट कूट कर भरी है, उसे आजमाया तक नहीं जाता, क्योंकि हम और आप वो नाम नहीं जानते। हमें टैलेंट से कोई मतलब नहीं, और हम सिर्फ गिने चुने नामों को ही पर्दे पर देखना चाहते हैं। इसलिए हमें वाहियात चीजें परोसी जाती हैं और हम उसी के आदि बन गए। एक वाहियात शो में करीना कपूर खान से पूछा गया कि आप सारा अली खान को कौन सी डेटिंग एडवाइस देना चाहें? What one dating advice would you suggest to सारा? आपको पता है कि उन्होंने जवाब क्या दिया? उन्होंने कहा, तुम अपने पहले हीरो यानी सुशांत सिंह राजपूत को कभी डेट मत करना, यही मेरी एडवाइस है। डोंट डेट योर फर्स्ट हीरो, आई हैव एडवाइजर। और तो और, सोनम कपूर से भी एक घटिया शो कॉफी विद करण से पूछा गया कि सुशांत हॉट है या नहीं, तो उन्होंने जवाब दिया, कौन, सुशांत सिंह? मैं तो उसे जानती तक नहीं। यह है असलियत हमारे स्टार्स की। तो जरा सोचिए, किसकी गलती है? किसने अपने सर आंखों पे इन नमूनों को बिठा के रखा है? और ये नमूने ऐसे हैं जिन्हें ना तो इंसानियत की समझ है, और ना ही इन्होंने कभी स्ट्रगल देखा, और ना ही इन्हें टैलेंट की कदर है। जिन लोगों को अर्श से उतार कर कब का फर्श पे पहुंचा देना चाहिए था, उन्हें हम आंखों पर बिठाए घूम रहे हैं। और ये नमूने हमारे दिलो दिमाग पर इस कदर छाए हैं कि हमें कभी सुशांत से रूबरू होने का मौका ही नहीं मिला। जिस इंसान को फिजिक्स की इतनी अच्छी जानकारी हो, जो ओलंपियाड विनर हो, जो पूरे भारत में 7th रैंक लाने की क्षमता रखता हो, जिसे स्पेस और टाइम की इतनी अच्छी समझ हो, जिसके नॉलेज के सामने फिल्म जगत का कोई भी इंसान एक मिनट भी नहीं टिक सकता था, जो धोनी जैसी फिल्म से अपनी अदाकारी का लोहा मनवा चुका हो, उस इंसान की खुदकुशी की वजह फिल्म जगत के साथ साथ हम अंधभक्त भी हैं, जो टैलेंट को सराहने की बजाय चकाचौंध को तवज्जो देते हैं। आप मानो या ना मानो, जरूरत है हमें अपने आप को बदलने की। आप किस पर क्या विचार है, हमें नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। डेली ट्रेंडिंग न्यूज की रिपोर्ट, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल ऐसी ही लेटेस्ट और इंटरेस्टिंग न्यूज के लिए।